अशोक सबसे ज़्यादा इस शेयर के बाद शायद सबसे ज़्यादा टेंशन है उनके मैच में? बिल्कुल, मैच में तो होता है, हर मैच में टेंशन है, क्योंकि जब तक टेंशन नहीं हो आदमी का सही गेम ऊपर नहीं आता। इसको हम इस शेयर के सिक्वल के रूप में लगातार डिफीट, शायद अब पहली बार उसके बाद आमने सामने गेम है। गेम में अगर आप अच्छा खेलो तो मतलब आप किसी को भी हरा सकते हो आप, क्योंकि ये गेम क्रिकेट और फुटबॉल जैसा नहीं है कि आप फोर मारना चाह रहे हो 11 प्लेयर हैं रोकने के लिए। जब आप टेबल पे हो तो आप बॉस, तो यही कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा समय टेबल पे मैं रहूँ। अच्छा अशोक, आपका थ्रू आउट स्कोर कंसिस्टेंट रहा, जबकि गीत के कुछ समटाइम्स स्कोर मोर देन 100, तो मतलब आपकी स्ट्रेटेजी है कि कंसिस्टेंटली ये करें? मतलब नहीं, गेम यही है कि जैसा गेम आता है वैसा खेलते जाओ, मतलब जैसे एज द बॉल कम्स यू नो, तो बस कोशिश यही है कि जैसे बॉल आते गए वैसे खेलते गए, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं ट्राई किया। आपके लैंग्वेज में आप एक बार बाहर बात कर रहे थे कि मतलब ओपोनेंट को फंसा के, तो हाँ तो स्ट्रैटेजी तो होती है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी होती है। तो अभी यही है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स, मैंने वही कहा ना कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स ट्राई करो और आप गीत को चांस दो तो वो आपको बिठा के रख देगा। तो यही, मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट नहीं ट्राई किया, बस यही था कि अगर शॉट नहीं है मुझे तो मैं उसको सेफ खेलूँ, तो वो शायद कामयाब हो गई। कभी आपको लगा लास्ट मोमेंट पे, हाँ एक टाइम में आपका 200 के आसपास लीड था, लास्ट मोमेंट में काफ़ी क्लोज आ गया, 200 की लीड और 15 मिनट भी अगर आप बचे हो तो आप हार सकते हो, क्योंकि मुझे याद है एक 200 पॉइंट से डाउन था, 17 मिनट बचे थे वर्ल्ड चैम्पियनशिप 1990 में, और मैंने 267 का अनफिनिश ब्रेक मारा था। तो कोई बड़ी बात नहीं है 15 मिनट अगर मैं 200 पॉइंट से पीछे हो आगे हो। इसके पहले भी थोड़े दिनों पहले भी आपने 981 स्कोर किया था अपने ओपोनेंट के, 303 स्कोर किया था, तो अभी के स्कोर से आप सेटिस्फाइड हो? नहीं, गेम है जैसा स्कोरिंग, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी ज़्यादा था, सेफ्टी प्ले ज़्यादा था, तो स्कोरिंग उतनी नहीं हो पाई। तो यही है कि मैच जितना इंपॉर्टेंट है, स्कोर क्या हो उससे कोई मतलब नहीं। आप एक पॉइंट से भी जीते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, मैच जीते तो बोलो। आप इसको फाइनल की तरह से देखो? नहीं, फाइनल तो अभी तो दिल्ली में होकर भी मैं दिल्ली से बहुत दूर हूँ, सेमीफाइनल और फाइनल अभी तो बहुत दूर हूँ। हर मैच टेक एवरी मैच एज इट कम्स, हर एक मैच को एक मतलब जैसे आता जाए वैसे लेते जाओ। अच्छा, शुरू में आप पीछे थे तो किसी मोमेंट पे आपको लगा कि आप लूज़ कर सकते हैं? किसी मोमेंट पे नहीं, हर मोमेंट पे ऐसा प्रेशर में फीलिंग यही होता है कि गीत सिटी से बढ़कर मैंने जैसे भी कहा कि इंडिया में कोई प्लेयर आज तक पैदा हुआ नहीं है। तो जब भी गीत को हराओ ये एक आपके लिए बहुत बड़ी मतलब उपाधि मिलती है, जैसे उस हिसाब से गीत सिटी से बढ़कर कोई प्लेयर नहीं है आज इंडिया में। व्हाट नेक्स्ट ब्रुनेई? ब्रुनेई तो बहुत दूर है, उससे पहले और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं, इंग्लैंड में प्रोफेशनल सर्किट है, देन उसके बाद में मई में एशियन स्नूकर है, फिर उसके बाद और वर्ल्ड बिलियर्ड्स होगा अहमदाबाद में कहीं, तो बहुत ब्रुनेई तो दिसंबर में जाएंगे। आज के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड? बहुत सेटिस्फाइड, गीत सिटी को जब भी हराओ तो आदमी कोई भी हराएगा तो वो सेटिस्फाइड होगा। और मैंने माना जैसे गीत सिटी को आप क्रिकेट में भी हराओगे या गिल्ली डंडा में भी हराओगे तो आप सेटिस्फाइड हो, क्योंकि वो नाम जो है ना बहुत बहुत बड़ा नाम है। अच्छा अशोक, आप थोड़ा फेथ को बिलीव करते हैं, वहाँ भी आपका स्ट्राइकर येलो था, यहाँ भी येलो है, नहीं इससे कोई वो नहीं है, ये तो जस्ट ये कि वी चूज़ द बॉल, अगर आप टॉस जीते तो आप चूज़ कर सकते हो, तो येलो से स्ट्राइक, बिकॉज जब आप येलो से स्ट्राइक करते हो तो आपको येलो, वैन आप बॉल को शॉट मार रहे हो तो आपको वाइट दिखती है सामने, येलो तो दिखता ही नहीं है। तो यूजुअली बिलियर्ड्स पहले से आदत है 2 व्हाइट और 1 रेड, अभी उन्होंने टेलीविजन के लिए येलो डाल दिया, तो वी ट्राई एंड सी द वाइट, येलो से खेलते हैं। आज के गेम में कहीं लक फैक्टर माने? बहुत जगह लक फैक्टर तो होता ही है, अगर आप मिस करो और सामने वाले को आप इजी शॉट्स लाकर नहीं दो तो लक फैक्टर वो मतलब अपने आप अगर उसको डिफिकल्ट सिचुएशंस में आ जाता है, तो लक फैक्टर तो काम तो हर एक मैच में काम करता है। अच्छा, आज आपने कहीं मतलब उस तरह से जैसा आप ये बता रहे थे कि फंसाने वाला गेम था, सेमीफाइनल्स फाइनल्स में स्ट्रेटेजी चेंज कर? नहीं, तो मैंने बोला ना जैसे एज द बॉल कम्स यू हैव टू प्ले, आप स्ट्रेटेजी इतना भी बना के खेलो अगर सामने वाला 500-600 का ब्रेक मारे तो आप क्या करोगे, स्ट्रेटेजी काम नहीं आती है। अच्छा, आप कंसिस्टेंट स्कोर से कह सकते हैं कि आज आपका कंसिस्टेंस कंसंट्रेशन था? कंसंट्रेशन अभी थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे, क्योंकि जो एशियन में था वो यहाँ पर नहीं है, फोकसिंग मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे कोच यहाँ नहीं है शायद इसकी वजह से, क्योंकि वो ऐसे माइकल फेरेरा जो है ही इज़ बिहाइंड मी कि यू हैव टू प्ले वेल, तो हो सकता है उसकी वजह से। गुड लक फॉर यू। थैंक यू।